दोनों टीम पूरी स्थान पे आएगी 51,000 रूपए मिलेंगे और दूसरे स्थान पर जो टीम आएगी 31,000 रूपए से संतोष करना पड़ेगा। मैच को शुरू करा दो जी। और मैच शुरू हुआ फाइनल मुकाबले की पहली रेड सरदार जी के द्वारा, सेमीफाइनल में सीआईएसएफ की टीम को हराने में सरदार जी का 100% हाथ है। और यहाँ कैच है, पहला पॉइंट अर्जुन स्टेडियम जींद के दूसरी तरफ से, भाई अर्जुन स्टेडियम जींद की तरफ से श्री रमेश जी ढिलो प्रधान डेयरी एसोसिएशन जींद और श्री अनूप कुमार जी दीक्षित एडवोकेट साहब दोनों भाइयों ने मिलकर के हमारे दर्शक विदो रात के 12 बजे भी हमारे मेहमान पहुंच रहे हैं और अपनी यज में महान यज में आहुति डाल रहे हैं 21,000 रूपए तो दान मान श्रद्धा समान भगवान से प्रार्थना करते हैं मेहमानों के घर में सुख शांति बनी रहे। और ये मैच अभी शुरू हो चुका है, फाइनल मुकाबला 82,000 रूपए, कोई कम राशि नहीं होती। फिर आपको याद दिला दूं परसों संडे का दिन है 7 अप्रैल 2024 को, यानी पहला इनाम 1,00,000 रूपए, दूसरा 71,000। स्कोर की बात करें मैं 2-1 स्कोर है और स्कोर हो गया 2-2 बराबर। अच्छा भाई दोनों पर दावा किया है बिल्कुल, भाई 2 पॉइंट मिलेंगे। चार 2 स्कोर, 2 पॉइंट की लीड मार्जिन स्टेडियम जीत की टीम। निकेश भाई सेमीफाइनल मुकाबले में अच्छा गेम दिखाया था, ऑल था टीम को बाहर किया था, ऑलराउंडर पर पसंद किया था उसमें, और दो जो परस्यूट थे वही और मौके के परस्यूट थे। एक टीम ने नॉल था बनाया था, दूसरी टीम ने सियाई शेफ को, और इस समय आपने सामने गो और एम्प्टी राइट डू अडाई राइट डिफेंस काम कर रहा है दोनों तरफ से, क्या डू और डाई में कश्मीर टीम बाज मारेगी। और भाई हैंड टैकल लगा दिया है दोनों तरफ से, भाई डिफेंस ने बाजी मारी है डू और डाई में, फिर से वही कंडीशन। दीपू भाई एक तरफ 5 का डिफेंस तो एक तरफ 6 का डिफेंस है, दीपू क्या कामयाबी मिलेगी दीपू को, पलटी लगाई है और पलटी में कामयाबी मिली एक बार फिर से अर्जुन स्टेडियम जींद के डिफेंस को। अजय चरखी समरण में फाइनल मुकाबला का रोमांच बिल्कुल शानदार बना हुआ है, अर्जुन स्टेडियम जींद और इक्कस के मध्य ऑल ओपन टूर्नामेंट है, कोई भी खिलाड़ी मुकाबले में दूसरे साथी में मिलके खेल सकता है, इसलिए ओपन कहा जाता है। 48 किलोग्राम के हमारी प्योर एक पंचायत की टूर्नामेंट हुई,
जिसमें पहला स्थान इक्कस ने पाया और दूसरा स्थान करोड़ी जिला हिसार ने पाया। इक्कस को 11,000 रुपए मिले, करोड़ी को 7,100 रुपए से पहले और दूसरे स्थान के लिए लड़ाई। अब फाइनल मुकाबला अर्जुन स्टेडियम जींद वर्सेस गांव की टीम के मध्य चला हुआ है और यहां पॉइंट यानी स्टेडियम जींद को है, जींद में है, करण स्टेडियम करनाल में है, भीम स्टेडियम भिवानी में है। ये योद्धाओं के नाम पर भी काफी स्टेडियम रखे गए। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से गुरुग्राम बसा है और द्रोणाचार्य स्टेडियम भी गुड़गांव में है। चौधरी देवलाल स्टेडियम भी है और द्रोणाचार्य भी है। जो शहर के अंदर है वो द्रोणाचार्य है और जो चौधरी देवलाल है वो राजीव गांधी चौक के पास है। चार सात का स्कोर है, स्टेडियम 7-21 फिलहाल का स्कोर है। थर्ड 21-4 स्टेडियम 7-4 and 7 इन फेवर ऑफ अर्जुन स्टेडियम। अर्जुन स्टेडियम का मतलब है जींद, ताऊ का मतलब है चौधरी देवीलाल, बाऊजी का मतलब है चौधरी बंसीलाल, चाचा का मतलब है नेहरू, पहलवान का मतलब अगर कोई खिलाड़ी जानता तो पहलवानों के बारे में राजेंद्र मोर गांव बरोदा, और भाई खिलाड़ी का मतलब है बलबीर सिंह सुगड़े। किलोमीटर जाएगा, मैं कह रहा था आज की डेट में संपन्न हो जाए तो गनीमत है। लगभग वो समय आने वाला है, 12 बजे मतलब अगला दिन शुरू हो चुका है। अर्जुन स्टेडियम जींद ने भाई इस मुकाबले को पूरी तरह से अपने पक्ष में रखा है। ऑफिशियल महोदय लोग तले संदीप जी बुढ़ाने, जब खिलाड़ी चाहे मैच समाप्त हो सकता है, ऑर्गेनाइजर को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तो पूरे दिन खिलाड़ियों ने मैच खेले हैं। तो उनका 5वां मैच चला हुआ है, 3:30 बजे मैच शुरू हुए, रात के 11:30-12 या 12 बजे तक खत्म हो गए। तो अंदाजा लगा लो 8 से 10 घंटे में टूर्नामेंट कंप्लीट कराने पड़ते हैं। खिलाड़ी खेल खेल के बिल्कुल शरीर टूट जाता है, ये करवा सकते हैं। और यहाँ सुपर टैकल मिलेगा 21 जिला जींद को, 2 पॉइंट मिलेंगे 21 जिला जींद को। हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जाके बोलते हैं जिला जींद की गोद में बसा हुआ गाँव 21 खिलाड़ियों का गाँव है और काफी ऐसे महान शख्सियतों ने इस गांव में जन्म लिया है जो हरियाणा प्रदेश आज भी रीस करता है। मैं देने वाला नहीं हूं, मैं लेने वाला हूं। यह सोमवीर पहलवान तक बात करे, और यहां सरदार जी कामयाब। बिल्कुल भाई, मैं है जो औपचारिकता बाकी है इस मुकाबले में। कभी भी मुकाबले बिल्कुल कुएं में से 1 पॉइंट लेके आया है और 2 पॉइंट है, 2 का 1 हो सकता है, 1 के 2 नहीं हो सकते। और अमित डोले फिर आगे ताली मारो भाई। और आज के उद्घाटन करता पप्पू जी पोखरी खेड़े भी पहुंच चुके, बहुत ज्यादा समय अमित ढोल जैसे सीनियर ने मारे को दिया, हम इस काबिल हैं। समाप्त हुआ, आप देखते हैं आज का चैंपियन कौन है और उप विजेता कौन है। एक बार स्कोर बता दो, अर्जुन स्टेडियम की टीम आज की टूर्नामेंट में चैंपियन है और 21 गांव की टीम